नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। जैसा कि ये चैनल है पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग, ये लोगों को कई सारे चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि सेहत बनाने में, आरोग्य सुधारने में, और दवाओं से लेकर एक्सरसाइज वर्कआउट से भी इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में आता है। तो इसी चीज़ में एक चीज़ है, ये लोग आयुर्वेदिक ऐड करते हैं, फिर नेचुरोथेरेपी के हिसाब से जैसे कि वर्कआउट करके मुद्गर इसमें काफ़ी सारी कामयाबियां हासिल करे हैं। उन सारे कामयाबियों के साथ में एक नया एक ऐड करने के लिए होम्योपैथी के ऊपर भी है ना, एक वीडियो बनाने का बातचीत हुई थी मेरे और बलवीर सिंह के बीच में। तो जैसा उन्होंने बोला उसके ऊपर जितना कुछ भी मेरे को नॉलेज है होम्योपैथी का, वो और आयुर्वेद इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ लोगों को मालूम होना चाहिए ऐसा हमें लगता था। तो उस चीज़ पे ही हम दोनों ने डिस्कस करके जितना कुछ भी नॉलेज है वो आगे बढ़ाएंगे, तो हमको भी कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। तो होम्यो और आयुर्वेदिक कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। होम्योपैथी भी आयुर्वेदिक है। होम्योपैथी में आपको 99% जो भी दवाई बनते हैं सारे पौधों से लिए हुए भी हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद भी वैसे ही है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है आयुर्वेदिक के नियम बहुत कठिन होते हैं और बहुत सूक्ष्मता से काम करते हैं, जो कि बहुत बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो उस चीज़ के कंपैरेटिव अपन इतने ज़्यादा परहेज ये नॉर्मल दुनिया में बनाकर नहीं परहेज कर सकते। जैसे कि कोई आयुर्वेदिक का दवा बनाए, बाजू मोबाइल में लगा दिए, तो शायद 99% में से 1% उसमें शायद कमी हो जाए, 1%, ज़्यादा नहीं। प्रथम तो आयुर्वेदिक है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो खैर छोड़िए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है आयुर्वेद में, दवाई सही नहीं बनाने के कारण या अधिक मात्रा में लेने से लोगों में काफ़ी सारे दूसरे प्रभाव भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी का मैं बेटा तो नहीं कहूँगा होम्योपैथी को, परपोता लगा। होम्योपैथी बहुत सेफ मेडिसन है और आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको सेफली, अगर अच्छे कोई डॉक्टर है तो हर चीज़ का इलाज है आपको और कम दामों पे इलाज है। मैं मानता हूँ आजकल कुछ होम्योपैथी डॉक्टर से जो हज़ारों में चार्ज करते हैं एक सेशन का, जो कि गलत है। होम्यो में किसी भी दवा को है ना आपको हज़ारों में चार्ज नहीं कर सकते आप। 1000 रुपये में तो 3-4 दवाइयाँ आ जाती होम्योपैथी में। तो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो होम्योपैथी बढ़ेगा, लोक कल्याण होगा, सेहत होगा, फिर एक अच्छा माध्यम है अपने स्वास्थ्य को बनाने का होम्योपैथी भी, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास था होम्योपैथी के बारे में आपको नॉलेज देने का। फिर देखते हैं, बाकी आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो आप भेजिए, मैं प्रयास करता हूँ कि उन क्वेश्चंस को जस्टिफिकेशन के हिसाब से मैं कुछ आंसर कर सकूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, और स्पेशल थैंक्स टू बलवीर सिंह ऑल्सो, ठीक है। नमस्कार।